वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में A27 17 प्रो 4G। तो ये जो फ़ोन है इसमें अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से अगर आप प्रोसेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, हम चलते हैं फ़ोन की सेटिंग के अंदर। बस आपको फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाना है, फिर उसके बाद जो स्टेप मैं कर रहा हूँ सेम आपको फॉलो करना है और आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये हमने सेटिंग का ऑप्शन खोल लिया, अब हम स्लाइड करके नीचे आएंगे। तो सबसे नीचे जो ऑप्शन होगा ये बैटरी आइकन वाला, ठीक है, आपको इस पर टच करना है सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। फिर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है बॉक्स में ए लिखा हुआ है, ए का सिंबल, आपको इस पर टच करना है, बॉक्स वाले पे ए के सिंबल वाले पे टच करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद जो आपका फर्स्ट पे ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट वाला, आपको उस पर टच करना है, ठीक है। टच करने के बाद अगर यहाँ पे सेकंड पे आपकी कोई लैंग्वेज आ रही है, जैसे मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ, ये ऐसे सेकंड पे आपकी लैंग्वेज आ रही है तो इसको ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे ना तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ये देखें अभी चेंज हो जाती है, ये देखो लैंग्वेज चेंज हो गई। इसी तरह से आप इसको प्रेस करके फिर से ऊपर ले जाएंगे तो जो लैंग्वेज आपकी फर्स्ट पे होगी वही लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाती है इसमें, ठीक है। थ्री डॉट पे जाना, रिमूव का ऑप्शन आएगा, जो लैंग्वेज आपको रिमूव करनी है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव के ऑप्शन से इसको रिमूव कर लें, ठीक है। इस तरह से आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।